गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के अभी 7:30 बज रहे हैं और फिलहाल मैंने कुछ ब्रेकफास्ट लंच की तैयारी नहीं की, विहान की, मेरे बच्चों के नाम में भी इतना कन्फ्यूजन है। तो फिलहाल कुछ भी नहीं किया, अभी मन नहीं कर रहा कुछ भी। अब उठूँगी, जाऊँगी लंच प्लस ब्रेकफास्ट पर आते और दोनों यहाँ पे खेल रहे, और घर पे फिलहाल कोई नहीं है। मम्मी राजमा निकालने के लिए गए शायद खेत में, जब मैं उठी तो मम्मी नहीं थे, मतलब खेत चले गए थे। और बाकी बड़े पापा भी खेत गए होंगे शायद, पता नहीं, भी नहीं है। और छोटे भाई ससुर जी जो है वो है और दीपक सोए। तो फिलहाल मैं अपना काम कर लेती हूँ और उसके बाद देखते हैं कि क्या रहेगा दिन भाई। और पिछले कल मैंने आपके साथ अपना पूरा डेली रूटीन शेयर किया था, तो कैसा लगा बताना आपको, मतलब डेली रूटीन, उसके डेली रूटीन सुबह से लेकर रात तक का। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि सुबह से लेकर रात तक का व्लॉग कैसा लगा आपको। फिलहाल टफी मार खा रहे क्योंकि टफी ने मुर्गियों को पका दिया है। टफू आजा, टफू। विवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है पीछे बैठना, रो रहा है वो। अगर पीछे बैठेगा उसको अपनी गाड़ी चाहिए अलग से, मैंने मंगवाया है, तो उसको उसकी गाड़ी को आने को टाइम लगेगा क्योंकि वैसी गाड़ी यहाँ पे मिलेगी नहीं जैसी मैंने मंगवाई है, जैसे मैंने सोचा है। मैं आपको साइड में फ़ोटो मेंशन कर दूँगी जो मैंने मंगवाई है विवान के लिए। बाकी फ़िलहाल तो विवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है विहान के पीछे बैठने के लिए। अगर विहान ना बैठे तब विवान आराम से चला ले रहा है, बाकी फ़िलहाल विवान तो मजबूरी में ही बैठ रहा है। आओ इधर आओ, आपको मज़ा आ रहा है ना, विवान को नहीं आ रहा मज़ा। हाँ तो विवान को छोटा गाड़ी चाहिए, कैसे पकड़ा हुआ। आओ इधर लाओ गाड़ी, लाओ वापस लाओ, यस वेरी गुड। विहान को ना गाड़ी का बहुत शौक रहता है हमेशा से। A few moments later. तो विहान का लंच तैयार हो चुका है, तो उसको मैंने केक दिया है, बिस्किट दिए, ये जो दूध वाले बिस्किट होते हैं ग्लूकोस वाले, ये प्लस पराठा और शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी। तो मैं सब्ज़ी उसको देने लगी हूँ, अगर दूंगी तभी वो खाएगा, तो दे देती हूँ, कभी खा लेता है कभी नहीं खाता, और अगर नहीं खाता है तो खाली पराठा खा लेता है, तो इस करके वैसे ऑप्शनल देना पड़ता है। बाकी अभी एप्पल काट के डाल दूंगी, बाकी ये हो गया। अब भाई साहब आएगा देखने के लिए कि क्या डाला क्या है। हाँ गाड़ी दिखी ना, आज तो छुट्टी है। केक, बिस्किट, क्या है, कुछ नहीं है, बिस्किट है वो। तो मैं अभी विहान को छोड़ के आ चुकी हूँ स्कूल बस के लिए, थोड़ी लेट आई आज बस, तो ऊपर गए थे, और अब विवान उसकी गाड़ी पे बैठ के खेल रहा है। और एक चीज़ बताओ, ये विहान को छोड़ा बोलने के लिए मैं ब्लॉग शुरू नहीं करी हूँ। अभी मैं जब विहान को छोड़ के आई तो दीपक ने बोला कि पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी है, तब जाके मैंने देखा सच में पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी है। तो फर्स्ट स्नोफॉल हुआ है पहाड़ों पे अभी आज के दिन पे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पहले धूप पड़ी थी, अभी मौसम ख़राब है और ठंडा भी हो रखा है। सबने स्कूल बस में सबने किसी ने जैकेट डाला हुआ था, किसी ने जिप्पर डाला हुआ था, तो आज ठंडा सा तो था, सुबह तो धूप थी, अभी ठंड मतलब ठंड सा महसूस होने लगा था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ चुकी है, मैंने ध्यान नहीं दिया दीपक के बोलने के बाद देखा, तो आपको भी दिखाती हूँ फर्स्ट स्नोफॉल पहाड़ों पे। यहाँ देख सकते हो स्नोफॉल हुई है उस पहाड़ी पे, उस पे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्नोफॉल हुई क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ था। और बाकियों पर तो रहता ही है हमेशा 12 महीने यहाँ पर बर्फ़ रहती है इस पहाड़ों पर, बट यहाँ पे पड़ी है तो पता लग रहा है कि बर्फ़ पड़ी है, इसमें ये बिल्कुल साफ़ रहता है हमेशा। तो अभी यहाँ पे हल्की हल्की स्नोफॉल हो गई है, तो आज ठंड सा भी हो गया है, मौसम भी ख़राब है। और ये बाकी जब यहाँ बर्फ़ पड़ेगी ना इस वाली चोटी पे, ये सामने इस वाली पे, तो तब जाके यहाँ नीचे भी बर्फ़ पड़ेगी, मतलब गाँव में भी पड़ेगी। और तब जाके मतलब जब यहाँ पे बर्फ़ ख़त्म हो जाती है ना तो गर्मी शुरू हो जाती है, जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो ठंड शुरू हो जाती है। फिलहाल तो फर्स्ट स्नोफॉल हो चुका है वहाँ पे, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी जाते हैं अभी लंच सॉरी विहान को लंच दिए तो लंच बोल रही हूँ, ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और भाई साहब ये अपने मज़े से खेल रहे हैं क्योंकि पहले तो विहान खेलने नहीं देता था, अब खुद अकेला है तो खेल रहा है। तो फिलहाल चलते हैं, बाकी आपको फर्स्ट स्नोफॉल दिखाना था तो वो ये है। आज मतलब आज डेट की बात करूँ तो आज 14 सितंबर है, आज फर्स्ट स्नोफॉल हुआ है। A few moments later. फिलहाल मैं दाल ले आई हूँ,
काले माँ और सफ़ेद वाले राजमा छोटे वाले मुझे पहले बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट वक्त के साथ साथ खा लेती हूँ, मतलब मिक्स हो तो खा लेती हूँ, अदरवाइज़ ऐसे अलग से तो नहीं खाती मैं सफ़ेद वाले राजमा छोटे छोटे से। हमारी लैंग्वेज बलिया बोलते हैं इसको, बाकी ये लोकल लहसुन है अपने खेत के, तो ये डालूंगी, बाकी इसको अलग कर देते हैं। और कपड़े सूख के बाहर से उठा के ले आई हूँ तय करने, और इसको पहले छाट लेती हूँ फिर पका लेते हैं, बाकी बहुत सारा काम है मुझे अभी, और लाइट भी नहीं है और बाहर मौसम भी ऐसा हो रखा है ख़राब ख़राब सा इस तरीके का, बाकी फ़िलहाल कर लेते काम। एवरीवन, तो अभी टाइम की बात करूं तो 3:30 हो रहे हैं, और फिलहाल जो है हम खाना वगैरह खा के फारिग हो चुके हैं, तो वहाँ से आगे कुछ शूट करने का मन ही नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअल में मेरा वीडियो अपलोड हो रहा था और मतलब पहले एडिट करते टाइम सेव हो रहा था, जिस वजह से मैंने उसको थोड़ा हाई क्वालिटी में सेव किया था, तो मेरा फ़ोन जब मैं कैमरा ऑन करी थी तो नहीं ऑन हो रहा था, मतलब ऑन हो रहा था बट जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं बोल रहा था, मतलब अभी बोल रही हूँ तो मुँह बाद में हिल रहा था, तो इस तरीके से हो रहा था, तो इस करके तब मैंने शूट नहीं किया। तब बहुत सारा सप्पा पहले वीडियो सेव हुआ बहुत लंबा हो गया था, फिर उसके बाद अपलोड होने में 3 GB लग गए, नेट पैक ख़त्म हो गया, फिर करवाया, ऐसे ऐसे करते करते बहुत टाइम लग गया, और आज पूरे दिन भर लाइट नहीं है, फ़ोन पे बैटरी भी नहीं है, और देखते हैं ब्लॉग कैसे कंटिन्यू करते हैं, वैसे आ तो जाती है लाइट थोड़ी देर बाद आ जाएगी, बट आज तो मॉर्निंग से लाइट नहीं है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ चाय बनाने, मम्मी खेत में काम करें नीचे, राजमा निकाल रहे हैं और मैं विवान के साथ हूँ, और दीपक शायद सोए होंगे क्योंकि वो लाइट नहीं है इस करके, तो अभी हम चाय बनाने जा रहे हैं विवान और मैं, और विहान के आने का भी टाइम है, तो थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। फिलहाल तो मैं आपको भाई साहब से मिलवा देती हूँ। हेलो, हाय बोलो, हाय बोलो, साहिल बोलो, छोटू बोलो, चिट्टू, मम्मा बोलो, मम्मा बोलो, मम्मा, पापा, बाबा, तेते, तेते, अपी, बी, मामू, मामू, बुआ, मामू, बाबू, बुआ बोलो, मासी बोलो, नानी बोलो, नानी, नानी, सिर्फ उसको मामू बड़ा अच्छे से आता है, मामू, और बाकी तो अच्छा बोलता है, पर मामू एक बार बोल दे तो फिर बार बार मामू मामू कहता है। तो फिलहाल चलते हैं चाय बनाते हैं, और विवान बोलने लग गए तो अच्छी लगती है इसकी बातें सुनने में, तो फिलहाल चाय बनाते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है 6 बजे का, मतलब शाम के टाइम में रील बना रही हूँ, तो मेरे को मन हो रहा था कि रील बनाऊँ, अभी टाइम भी था तो रील बना रही थी, तो मैं अपने स्टोरी में डालूंगी प्लस इंस्टाग्राम पे भी डालूंगी, तो जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी किनौरी ब्लॉगर शिवानी के नाम से ही मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और फिलहाल जो मैं रील बना रही थी, कभी कोई आ रहा है ऊपर, कभी कोई आ रहा है, तो अभी ईयरिंग्स वेयरिंग्स तो निकाल दिए, बट जो भी रील मैंने बनाया है थोड़ी सी कोशिश की है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बाकी फिलहाल तो मेरी रील्स काफ़ी अच्छी चल रही है मेरा। हाँ जाओ ना, ओके ठीक है ठीक है, जाओ तो एक कुछ, मतलब मैं जब से रील बना रही हूँ या तो भी हान बात कर रहा है या तो भी वान रो रहा है, तो फिलहाल तो रील बना लिया है, और मेरा एक रील 3 लाख पहुँच चुका है, तो अच्छी खुशी की 3 लाख में भी, मतलब आपका रील 3 लाख तक जा सकता है, मैंने सोचा नहीं था। फिलहाल मैं विवान को सुला लेती हूँ, बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। अभी टाइम हो रहा है 7:30 का, और फिलहाल मैंने खाना नहीं बनाया, मम्मी भी यहाँ पड़ोस में गए और विवान मेरे पीछे पीछे आ रहे, तो मैं विहान की ड्रेस जो होती है
वो डेली इतनी गंदी हो जाती है, मतलब कि वो जब स्कूल में छुट्टी हो जाती है ना तो उनको छोड़ देते हैं बाहर शायद, आई थिंक ऐसा सोच रही हूँ, क्योंकि बाहर मिट्टी में खेलता हुआ, अदरवाइज अंदर जो उनका मतलब प्ले स्कूल है तो उनका अंदर मतलब उनके मतलब स्कूल के अंदर जहाँ बच्चे खेलते हैं छोटे बच्चे, वहाँ पे घास लगा हुआ है जो आर्टिफिशियल घास होता है ग्रीन कलर का, तो वो लगा हुआ है, तो मिट्टी लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बट मुझे लगता है जब छुट्टी हो जाती है तो बस सबसे लास्ट में पंगी आती है, तब तक वो मिट्टी खेलता होगा या फिर पता नहीं क्या खेलता है, पता नहीं। तो कपड़े इतने ज़्यादा गंदे होते हैं और सबसे ज़्यादा गंदे उसी के कपड़े होते हैं, तो फिलहाल वो कपड़े धोने डाल दिए क्योंकि कल भी पहनना है, तो बस वही निकालने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ बाथरूम में, और अभी कपड़े लेके जाती हूँ सुखाती हूँ। पापा गए अंडे लाने, अंडे ख़त्म हो गए थे, तो अभी मैं कढ़ी बनाऊँगी, बट रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वो मैंने आपके साथ काफ़ी बार कर चुकी हूँ, तो इस करके बाकी अभी मैं कढ़ी बनाऊँगी और उसके बाद देखते हैं क्या रहता है आज आपके साथ, और कुछ भी शेयर करते हैं थोड़ा अलग सा, तो देखते हैं, तो बने रहे मेरे साथ। फिलहाल इतनी तेज़ बारिश हो रही है, दिखाती हूँ आपको, फोकस नहीं हो पा रहा है, ये सब बारिश, पानी पानी हो रखा है पूरा का पूरा, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। टॉर्च चला के मे भी दिख जाए तो ऐसा, तो फिलहाल अचानक से ही मौसम ख़राब है और इस वजह से बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, और मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ यहाँ पे, और चलते हैं सोने के लिए। बाकी मैं तो आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।